गाइस, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, आपने देखा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के सबसे ऊपर के पार्ट को बोलते हैं पेंटोग्राफ, जो लगातार OHE वायर के साथ कनेक्टेड रहता है, जिससे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को मिलती है ट्रैक्शन पावर, जिससे वो आगे बढ़ पाता है, चल पाता है। अब आपने नोटिस किया होगा कि ट्रेन जितना चलती रहती है उतना ही पेंटोग्राफ लगातार OHE वायर के साथ रगड़ता रहता है, फ्रिक्शन जनरेट होता रहता है, ऐसे में डेवलप होती होगी हीट। तो आपने कभी सोचा है कि जो डेवलप होती है हीट फ्रिक्शन की वजह से, उससे पेंटोग्राफ या फिर वायर को कोई नुकसान पहुंचता है या नहीं? अगर नहीं पहुंचता है तो क्यों नहीं पहुंचता है? तो गाइस, इस नुकसान से बचने के लिए यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। पेंटोग्राफ के सबसे ऊपर के पार्ट को बोलते हैं शू, और इस शू पर यूज किया जाता है ग्रेफाइट की लेयर का। क्यों किया जाता है यूज? क्योंकि ग्रेफाइट एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, साथ ही साथ हार्ड लुब्रिकेंट होने के साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, जिससे ये जितनी भी हीट जनरेट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से किसी चीज को कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बस रेट है अभी फॉलो।